कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हम प्यार न करेंगे, कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हम प्यार न करने देगी। इज़रत दीदी ने बहुत अच्छा ये शमा बांधा भक्ति माहौल का, एक मेरी तरफ से एक भक्ति गीत, उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे माहौल को, सुनील भैया कहाँ है, कहाँ है, हाँ गाना, उसके बाद सुनील भैया थोड़ा सा हम लोग अपने मिजाज में भी चलेंगे, ये पूरी पब्लिक भाई, एक गीत मेरी तरफ से माता रानी को, उसके बाद फिर चलेंगे ना हम, पूरी रात हमारी है, हैं? उसके बाद हम वो भी गाएंगे चांद को देखकर, और अपने सोनू भैया की मेहरारू सोनू भैया डेडिकेट करेंगे आज उनको। अगर भाभी कहीं से सुन रही होंगी हमारी आवाज तो उनको बहुत बहुत प्रणाम है, और हमारे सुनील भैया की मेहरारू सुन रही होगी तो उनको भी बहुत बहुत प्रणाम है, बाकी जितने लोग हैं कि भरोसा कर दो तुम साथ निभाऊंगा सितारों की दुनिया में, तुमको ले जाऊंगा कर लो मेरा एतबार, चलो कहाँ चलो, जब सभी चलोगे ना मेरे साथ चांद के पार, चलोगे कि चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। लेकिन उससे पहले मेरा एक बड़ा ही पसंदीदा गीत जो कि स्वर्गीय लता दीदी की आवाज में है, और उसमें मैं छोटे छोटे गाने ऐड करती हूँ, बड़ी मेहनत करती हूँ उस गाने के बीच में मैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरे गोलू की भी फरमाइश है, अब अपना म्यूजिशियन के बाद ना सुनो तो कल के हमारे कार्यक्रम सब बिगाड़ दिए, सो कहिए कि नानू गए रहू जा अब लो गबो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ साड़ी पहन लेते हैं ना तो माधव अपनी मम्मी की तरह दिखने लगते हैं, है ना, वो जैसे सारी बेटियां अगर साड़ी पहन लें तो वो अपनी माँ की तरह ही दिखती हैं, कोई माँ की तरह दिखती हैं, कोई मौसी की तरह दिखती हैं, कोई दादी की तरह दिखती हैं, है ना, सब अपनी अपनी माँ की परछाई होती है, होती है ना, तो हम अपनी मम्मी की तरह दिखते हैं, और कभी कभी मंच में साड़ी पहन लेते तो गाना कम संभालना ज्यादा हो जाता है, है ना, इसीलिए कभी कभी सोचते हैं जींस ही ठीक है, है ना, हाँ अच्छा लग रहा है, मेहनत, हाँ बड़ी मेहनत कराए, पूरा कटिहार घुमाया मुझे ये, हैं पूरा सोनू भैया ने आज मुझे पूरा कटिहार घुमा दिया एक साड़ी के लिए, तो ये साड़ी गिफ्ट की है सोनू भैया ने, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, बाकी इनकी पसंद बहुत अच्छी है, है ना, बाकी की बात तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ देखे तेरी सूरत जब जब दुनिया में आए, माँ तेरा आंचल पाए, सुने ना ये गाना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन
होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, वो कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ऐसे मत करिए वरना हमको उतर पता चला हम गिरे फिर आपको हमें अपने घर लेके जाना पड़ेगा है? कि कितनी सुंदर है हो, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अच्छा मम्मी के लिए तो हम गा रहे हैं, माँ तो मेरी बहुत प्यार करती है, सबसे बहुत प्यार करती है। अच्छा पापा से कौन कौन प्यार करता है, पापा से कौन कौन प्यार करता है, करते हैं ना? अच्छा अगर पापा के लिए कोई गाना गाना हो तो क्या गाइएगा ये बताइए, पापा के लिए कोई गाना याद है? पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, कौन वाला? एक एक दिल मंगवाइया हजार बार। पापा के लिए गाना है, मेहरारू के लिए नहीं। सभी मेरा साथ देंगे ना, सभी देंगे ना, तेरे सब पीछे पीछे होइए, सभी देंगे ना साथ, तो आइए हम गा के सुनाते कि क्या गाएंगे। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, कौन है? रुको रुको यार, एक एक क्लियर, कौन है सबसे प्यारा? किसके किसके पापा बहुत मानते हैं, बाकी सब पिटा लगा है यार, किसके किसके पापा बहुत मानते हैं, सभी के एक बार बोलो पापा। बाप रे बाप, ठीक ठीक, हाय ओके चल। ये कौन सा स्वर था पा, उठा दो ना हाथ और मिलके गाओ। पापा मेरे पापा, हो गए अब परिवार में कौन बचा? भाभी पूछे अब घर में कौन बचा? अरे भाभी, अरे भाई, कौन बचा? भैया। अच्छा भाई लोग से प्यार कौन करता है? वाह 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 वाह, और कौन कौन करता है भैया से प्यार? कल मेरा एक रक्षाबंधन का गाना आ रहा है मेरे अपने ऑफिशियल चैनल से, ए भैया राखी के बनाई चाहे हमके सुघर भौ जाए। खूब प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा, लेकिन भैया के लिए कहना है, भैया के लिए है ना? भाई एक ऐसा होता है ना कि जो हमसे शुरू में बहुत लड़ता है, बहुत झगड़ता है, लेकिन जब हम विदा हो रहे होते हैं ना तो सबसे ज्यादा वही रोता है। जैसे मेरे लिए अमित बहुत रोएगा, मैं जब विदा होंगी ना बेचारा बहुत रोएगा, है ना? रोगे कि नहीं रोगे? है तेरा भाई के लिए बताओ तो, तुम बताओ संतोष सर। अरे भाभी के लिए नहीं गाइएगा? ये चैलेंज है तुम्हारे लिए, चलो कुछ भाई के लिए गाओ अभी ऐसी सी कॉर्ड पे। भाभी के लिए नहीं गाइएगा? भाई भाभी के लिए, भाई बड़े सा? नहीं और कुछ याद कर लो और अच्छे से, और कुछ अच्छे से याद करो। भाई के लिए कोई गाना याद आ रहा है? कौन सा गाना याद आ रहा है भाई के लिए? कौन सा बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा? मेरी बहन बोले कि पीछे कौन सा गाना याद आ रहा है भाई के लिए? तोहरा जैसन भाई कहा कि तोहरा जैसन भाई कहा कि तोहरा जैसन यार कहा। नहीं भैया तेरे अंगना की मैं हूं ऐसी चिड़िया, भैया तेरे अंगना की
मेरी चिड़िया है, रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है, रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। हो गया, पापा के ऊपर हो गया, भाई के ऊपर हो गया, अब कौन बचा घर में? काली माता, भाभी, दादी, दादी से और पहले कोई आता है? कौन आता? ननद, इन सब के ननद, भौजाई, साली, सरहद छोड़ के कुछ नहीं किया रहा। अब कौन बचा बच्चों, बताओ कौन? लड़ाकू बहन ना। अच्छा, कई बार बहनों की शादी हो जाती है तो छोटी बहनें बड़ी खुश रहती है, जानते हैं क्यों? सोनू भैया, दो बहनें हैं, बड़ी बहन की शादी हुई तो छोटी बहन बहुत खुश होती है, जानते हैं क्यों? हाँ, उसका सारा कपड़ा उसको मिल जाता है, उसके जितने नए नए जींस, अब तो भाई ससुराल जाकर तो जींस पहनेगी नहीं, तो जितने जींस मेरे, हाँ, लेकिन बहनें बहुत प्यारी होती हैं, तो उनके लिए क्या कहना है? फूलों का, तारों का, सबका कहना है, आज गा रही है ना, कल दो तीन दिन बाद देखिएगा, छोटा छोटा गोल आपस में करेंगे, है ना? कहाँ गए, है ना? तू लड़ेला कि ना हो, तुम लड़ते हो कि नहीं है? वैसे उसी अंदाज में गाना है मेरे साथ। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना। देखो सारे भाई अपनी बहन को डेडिकेट कर रहे हैं आज का ये गाना। अरे रक्षाबंधन तो मेरा तर गया, एक बार और दोनों हाथ ऊपर उठा के गाना। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। ओ माँ, ओ माँ, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और अपने माँ बाप के लिए। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, एक बार प्रेम से बोल दीजिए अपने अपने माता पिता की।